हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपको बताने वाले रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई सूजी की बर्फी। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाते हैं सूजी की बर्फी। तो फ्रेंड्स, बर्फी बनाने के लिए ये सूजी है फ्रेंड्स, 75 ग्राम सूजी है। तो चलिए इसको हल्का रोस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा नहीं भूननी है, बस इसका कच्चापन थोड़ा सा हट जाए। बस ये देखिए भुना चुका है। तो चलिए अब इसको उतार लेते हैं और ठंडा कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब इसको हम मिक्सी में डालकर पीसेंगे। एकदम बारीक महीन आटा की तरह पीसना है फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं पीसा है तो फिर एक बार छलनी से चाल कर पीस लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बार चाल कर फिर से पीसा था, ये देखिए एकदम आटा की तरह हो चुका है। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं फ्रेंड्स और अपने कढ़ाई को बैठा दिए। कढ़ाई गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, तो चलिए इसमें मैं आधा लीटर दूध डालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूध को गर्म होने देंगे। दूध गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसमें ये मिल्क पाउडर है फ्रेंड्स, 25 ग्राम है। तो चलिए सभी को डालकर और अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से मिलाना है, कोई लम्स ना रह जाए। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसमें ये इलायची पाउडर है फ्रेंड्स, तो इसे भी डाल दूंगी और इसे थोड़ा चला लेती हूँ। तो ये देखिए उबाल आ चुका है फ्रेंड्स और अच्छी सेंट भी आ रही है। तो चलिए एक कप चीनी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये मिठाई जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। एक बार बना के तो देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए चीनी भी अब मेरा गल चुका है फ्रेंड्स। तो अब ये आटा सूजी का जो मैंने पीसा था फ्रेंड्स, इसे धीरे धीरे डालना है, एक साथ नहीं डालिएगा फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे करके डालना और हमको चलाना है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिला लिया। अब इसको हम बढ़िया से सॉफ्ट करने के लिए 2 चम्मच घी डालेंगे फ्रेंड्स। आपके पास घी नहीं है तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब घी डालकर इसको अच्छी से मिला लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी तरह से मिल चुका है। तो चलिए अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं और एक थाली में थोड़ा सा घी नीचे लगा के फ्रेंड्स इसे चारों तरफ फैला लेते हैं अंगुली से अपने, और ये सारा बैटर मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से फैला लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे डाल दिए। चलिए अब इसको चम्मच से ही फैलाते हैं, थोड़ा गर्म है फ्रेंड्स, ठंडा करके नहीं करना है, गर्म गर्म ही हमको फैलाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से फैल चुका है। तो चलिए अब इसको हम फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए सेट करने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसको हम छुरी से बर्फी आकार में काट लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब आपको हम निकाल के भी दिखाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चक्कू से निकाल कर आपको दिखा रहे हैं कि कितना अच्छा मेरा बर्फी तैयार हुआ है। आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी रक्षाबंधन स्पेशल सूजी की बर्फी मिठाई आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं करना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।